हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज सिखाऊंगी ये न्यू डिजाइन का डोरमेट। ये फटी पुरानी चुनियों से बना सकती हैं, मैक्रम से बना सकती हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। ये देखो मैंने 21 फिंदे डाल लिए हैं। आप देखें बुनाई स्टार्ट करेंगे इसकी। इस वाले फिंदे को हमने उतार लिए। और ये तीन कलर से बनाएंगे, या मैक्रम से बनाएं या फटी पुरानी साड़ियों से बनाएं। ये सभी कपड़ों या ऊन वगैरह से बना सकते हैं। ये देखें तीन फिंदे हमने बगैर बुने हुए छोड़ दिए, और सिलाई को यहीं से पलट लिया है। ये भी रो इसी तरह से निकालें। ये देखें दो सिलाई निकालने के बाद में यहाँ से आप फिंदे को एक को उठाएंगे और एक फिंदे इसमें से हम ये देखें फिर से इस तरह से एक फिंदे को हमने बढ़ा लिया। एक एक फिंदे को बढ़ाना है और तीन फिंदे हम नीचे की साइड पे बगैर बुने हुए छोड़ते जाएंगे। ये देखें तीन फिंदे हमने फिर से छोड़ दिए और सिलाई को यहीं से पलट लिया है। अब देखें यहाँ पे फिर से हमने फिंदे को एक उतार लिया ऊपर से, इस वाले फिंदे को इस तरह से बुन लिया। तो दो फिंदे बढ़ा लिए और नीचे की साइड पे हमें तीन तीन फिंदे बराबर इसी तरह से छोड़ने हैं। ये देखें तीन हमने फिर से छोड़ दिए, सिलाई को पलटती जा रही हूँ। इसी तरह से हमें ऊपर तक छोड़ने हैं, ऊपर में और बढ़ाते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। तो देखते हैं ऊपर तक कितने फिंदे हम बढ़ा पाते हैं। तो बढ़ा लेते हैं फिर आपको दिखा। ये देखो ऊपर तक आ गए हैं तीन तीन फिंदे छोड़ते हुए, और मैं बराबर ये उल्टी सिलाई में फिंदे को बढ़ाती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नौ फिंदे बढ़ जाएंगे। अभी आठ फिंदे बढ़े हैं, आप देखें ये नौ फिंदे इस तरह से, और तीन फिर से हमने छोड़ दिए ये यहाँ पे। आप फिंदे नहीं बढ़ाएंगे, नौ फिंदे हमने बढ़ा लिए और सारे फिंदे हमने तीन तीन करते हुए ऊपर तक छोड़ दिए। अब देखें हम ये ग्रीन कलर लगाएंगे। अब देखें यहां से लेके नीचे तक सारे फिंदे ग्रीन हो जाएंगे दोनों तरफ से। इधर से निकालेंगे सिलाई फिर उधर से। तो मैं निकाल लेती हूँ फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। ये देखो दो सिलाई मैंने पूरी कंप्लीट की। अब देखें आगे का किस तरह से बनेगा। इस फिंदे को हम उतार लेंगे यहाँ पे दो का एक, और सिलाई को यहीं से हमने पलट लिया है। इस वाले फिंदे को मैं सीधा बिनूंगी। अब फिर से देखें इसको हमने उतार लिया। अब यहाँ से दो का एक और तीन फिंदे हम जो बगैर बुने हुए हैं उनको बुन लेते हैं। ये देखें और सिलाई को पलटते जाएंगे। फिर से देखें दो का एक, एक फिंदे को आगे की साइड से हमें उतारना है।
यहाँ पे देखें तीन फिंदे हम फिर से बिन लेंगे नीचे की साइड से और सिलाई को पलटते जाएंगे। ये देखें इस तरह से ये इसको उतारा यहाँ पे दो का एक ये देखें यहाँ से हम तीन फिंदे फिर से बिन लेंगे और सिलाई को पलटते जाएंगे। इसी तरह से हमें नीचे तक बुनना है तो मैं बुन लेती हूँ फिर आपको दिखा। ये देखो अब हमारे पास 21 फिंदे बचे हुए हैं ये पत्ती पूरी बन के कम्प्लीट हो गई। अब हम रेड कलर लगाएंगे तो रेड कलर देखें अब यहाँ से लेके हमें यहाँ तक सारे फिंदे ये रेड कलर से बनाने हैं तो मैं बना लेती हूँ फिर आगे का आपको पता। ये देखो हमने पूरी रो यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट की। दो फिंदे हमने ऊपर की साइड पे इसी तरह छोड़े इनको बिनना नहीं है। ये देखो दोनों साइड से हम दो दो फिंदे करके छोड़ेंगे बगैर बुने हुए। ये देखें उल्टी साइड से हैं तो नीचे की साइड से हम दो फिंदे छोड़ देंगे इस तरह से। अब सीधी साइड से एक बार देख लें फिर से देखें ये देखें ऊपर की साइड से फिर से हमने फिंदे दो छोड़ दिए। इसी तरह से हम बीच में आ जाते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ दोनों साइड से फिंदे छोड़े जाएंगे दो दो कर। अब देखें यहाँ पे तीन फिंदे बचे हुए हैं बाकी फिंदे हमने देखें साइड साइड से छोड़ लिए हैं तो दो फिंदे हम ये ऊपर की साइड से बिन लेंगे और सिलाई को पलट लिए। अब देखें दो फिंदे हम इधर से बिन लेंगे तो यहाँ पे गैपिंग है तो इस तरह से हम गैपिंग को ख़त्म कर देंगे नीचे की साइड से फिर सिलाई को पलट लिया। अब ऊपर की साइड से हम दो फिंदे बिन लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखें गैपिंग है तो ऊपर की साइड से हम फिंदे को उठाएंगे ये देखें तो इसी तरह से मैं ऊपर तक बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो पूरी कली कंप्लीट हो चुकी है अब आगे का देखें किस तरह से बनेगा। अब यहाँ से ये देखें ये वाला कलर हमने हल्का ग्रीन ले लिया ये डार्क ग्रीन है आप चाहें तो इसी से कलर से बना सकती हैं इससे बना सकती हैं। यहाँ पे मैं इस तरह से 10 फिंदे बढ़ाऊंगी तो मैं बढ़ा लेती हूँ फिर आपको। ये देखो मैंने 10 फिंदे बढ़ा लिए हैं अब हमें सारे फिंदे बुनने हैं 10 ये वाले और नीचे जो हमने डाले हुए हैं फिंदे वो वाले इसी तरह से बनाऊंगी। ये देखो रेड वाले हैं वो सारे फिंदे ग्रीन हो जाएंगे दोनों साइड से इधर से भी और उधर से भी तो मैं कर लेती हूँ। ये देखो मैंने पूरी रो दोनों साइड से कंप्लीट की। अब देखें यहाँ पे ये दो फिंदे हम इस तरह से इस वाली सिलाई पे ले लेंगे हम रेड कलर लगाएंगे। ये देखें और इस वाले कलर को इस तरह से हम नीचे की साइड से इसको करते रहेंगे नहीं तो ये नीचे की साइड पे दिखेगा। ये देखें इस तरह से अब ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक पता नहीं लग रहा है कि हमने कहाँ से धागा ये लिया है। अब देखें 10 फिंदे ऊपर की साइड पे थे 8 फिंदे ये देखें दो हमने ग्रीन ले लिए थे 8 फिंदे इसके 1 2 3 4 अब यहाँ से देखें 1 2 3 4 5
छः, सात, सात के बाद देखें फिर से गिन लेते, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और एक नौ, तो 17 फिंदे हमने ये नीचे की साइड से ले लिए, 8 फिंदे ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से ले लिए, तो टोटल हमारे पास 17 फिंदे हैं। अब यहाँ पे देखें नीचे पे कितने, एक दो तीन चार पाँच छः, तो 12 फिंदे नीचे की साइड पे बचे हुए हैं, 12 फिंदे नीचे की साइड पे नहीं बिनते हैं, बाकी फिंदे इसी तरह से बुने जाएंगे। और इस कली में भी हम दोनों तरफ से फिंदे छोड़ेंगे। ये देखें दो फिंदे हमने छोड़ दिए और सिलाई को यहीं से पलट लिया है। अब जिस तरह से हमने ये वाली कली बनाई थी उसी तरह से बनाना है। बीच में हमारे पास 3 फिंदे बचेंगे, दो दो फिंदे हम छोड़ते जाएंगे दोनों तरफ से। ये देखें हमने छोड़ दिए, अब सिलाई को फिर से पलट लिया है। इसी तरह से हम बीच में आ जाते हैं, फिर आपको दिखा। ये देखें 3 फिंदे मेरे पास ये ऊपर की बीच में बचे हुए हैं। अब देखें ऊपर की साइड से फिर से हम 2 फिंदे बिन लेंगे और सिलाई को पलट लेंगे। अब 2 फिंदे हम नीचे की साइड से बिन लेंगे। ये इसी तरह से हम ये कली को कंप्लीट करेंगे, दोनों तरफ से बिनते जाएंगे दो दो फिंदे करते हुए। तो बना लेती हूँ, ये देखो ये भी हमने पूरी कली को कंप्लीट कर लिया है। अब देखें अब ऊपर की साइड से हम इस वाले फिंदे को बिनेंगे और यहाँ से देखें हरा वाला फिंदे को नीचे की साइड से उठाएंगे और इसके साथ में इस तरह से बिन देंगे, तो यहाँ पे गैपिंग नहीं मिलेगी। अब जे यहाँ तक ये 2 फिंदे बनेंगे, यहाँ तक बिन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखें जो 10 फिंदे हमने बढ़ाए थे उनको देखें किस तरह से कम करेंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। तो अब रेड वाला कलर लगाएंगे, ये सारे फिंदे रेड हो जाएंगे इधर से भी और उधर से भी। मैं कर लेती हूँ, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट की। अब देखें ऊपर की साइड से 2 फिंदे हम फिर से छोड़ देंगे, जिस तरह से हमने ये वाली कली बनाई थी और ये वाली, इसी तरह से ये रिपीट होगी। 2 इधर से छोड़ेंगे और 2 हम नीचे की साइड से छोड़ेंगे। तो इसी तरह से मैं छोड़ लेती हूँ, इस कली को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखें ये पूरी पत्ती कंप्लीट हो गई, एक इधर बनाई एक इधर बनाई और ये एक ऊपर की साइड पे। अब ये वाली पत्ती हमें इधर रिपीट करना है, जिस तरह से हमने ये बनाई है इसी तरह से हमें इधर रिपीट करना है, तो ये डोरमेट इसी तरह से बनता जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखा। ये देखो मैंने बना लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से अगर आप और बड़ा बनाना चाहें तो इसी तरह से बना सकते हैं।